स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं, क्या आपने अपना वोट दिया? दिया तो किसको और कैसे? क्या आपने ऐसे ही तो अपना वोट किसी को नहीं पकड़ा दिया? ये जो उंगली आप हर जगह करते हो ना, कितने सवाल करते हो हर जगह। आटा, दाल, चावल, साबुन सब कुछ खरीदते टाइम आटे में मिलावट तो नहीं है, चावल में कंकड़ तो नहीं है, या साबुन झाग तो अच्छा देगा ना, या फिर मोटरसाइकिल खरीदते टाइम माइलेज तो अच्छी देगी ना, या फिर आफ्टर सेल सर्विसेज तो अच्छी होगी ना। एक छोटा सा पेन खरीदते टाइम कितनी घिसाव पिटी करते हो, हर वक्त हर जगह हर चीज के लिए सवाल पूछते हो सिवाय एक चीज की, अपनी सरकार चुनते टाइम। यहाँ तक कि 5 घंटे चलने वाली मॉस्किटो कॉइल खरीदते टाइम कितने सवाल पूछते हो, ये धुआं तो नहीं देगी ना, ये बदबू तो नहीं देगी ना, या फिर ये मच्छर तो मारेगी ना। नहीं पूछते तो बस 5 साल तक चलने वाली अपनी सरकार से एक सवाल नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते, क्यों? आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी आपसे वोट मांगने आए, धर्म, जात पात, संप्रदाय के नाम पर वोट देने की बजाय आप उससे एक ही सवाल पूछो, आप मेरे लिए आगे 5 साल तक क्या करोगे, आप मेरी बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, अगर मैं बीमार पड़ गया तो आप मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, आगे 5 सालों में आप मेरी देश की तरक्की के लिए क्या करोगे। पूछो उससे, क्योंकि आपके पास ये है, वोट देने की पावर, एक अच्छी सरकार चुनने की पावर, अपना और अपने बच्चों का भविष्य एक अच्छे लीडर, एक अच्छी सरकार के हाथ में देने की पावर। तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपनी इस पावर का यूज जरूर कीजिएगा। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू सो मच। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।